हेलो डेन, दिस इज रेखा कुशवाहा। वेलकम टू इम्प्रो टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक छोटे से नोटिफिकेशन, एक छोटे से मैसेज, एक छोटे से संदेश के साथ। तो सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अंत तक वीडियो को, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। और एक छोटा सा मैसेज है मैं आप लोगों के सामने शेयर करने वाली हूँ, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल मेरी थिंकिंग है। मैं किसी पर्टिकुलर टीचर पर, पर्टिकुलर कैंडिडेट या पर्टिकुलर स्टूडेंट के ऊपर ऐसा मेरा कोई मोटिव नहीं है कि मैं उसको यहाँ पर एज अ कंटिन्यू कर रही हूँ। तो सभी कैंडिडेट्स के लिए है, इवन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग हैं जो एक सही तरीके से कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। अपनी गाइडेंस, अपनी मेहनत, अपने हार्डवर्क पर कहीं ना कहीं अपना मोरल डाउन किए हुए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ अपने ओपिनियन, अपने एक्सपीरियंस को। सो होप सो आप लोगों को अगर ये वीडियो कहीं हद तक अगर अच्छी लगे, या कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझ आएँ, सो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ और कंटिन्यू करें अपनी लर्निंग को। और कुछ चीज़ें जो मैं शेयर करूंगी उन्हें पर्सनल ना लें। अगर किसी कैंडिडेट को ऐसा लगता है कि ये हमारे बारे में है तो पर्सनल ना लें बिल्कुल। एक तरीके से जैसे मैं कहूंगी कि कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों के लिए ही कहीं ना कहीं बनाई हैं, कहीं ना कहीं लिखी हैं, वो चीज़ मैं शेयर करूंगी। सो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग पूरी तरीके से इन्फो टीचिंग से जुड़ सकते हैं, क्योंकि अब हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो एम है, वो सिर्फ टीचिंग है। इट मीन्स टीचिंग की कहीं ना कहीं एक पोस्ट हमें पानी है। एक छोटी सी जो मेहनत हम कंटिन्यू कर रहे हैं, एक छोटा सा मोरल हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो हमें एक अच्छे से जिसे फोकस करके हम पाना चाहते हैं, तो वो हम कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग जुड़िए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें बेल आइकन के साथ, ताकि एवरी नोटिफिकेशन मिल सके आप लोगों को। अगर मैं 2019 की बात करूँ तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने 2019 में सीटेट क्लियर किया है इन्फो टीचिंग के ज़रिए। तो काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा है, पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा है। तो इसलिए मैं यहाँ पर ये चीज़ जेन्युइनली तरीके से बता रही हूँ, तो कंटिन्यू करें। सो बढ़ेंगे आज के टॉपिक की ओर। एक छोटा सा मैसेज है आप लोगों के लिए, और उसमें से अगर मैं कहूँ, मैं सेल्फ यानी कि खुद को बेस्ट नहीं बताऊँगी, ना ही मैं खुद को ये बताना चाहती हूँ कि सिर्फ मेरा ही चैनल या मेरा ही जो भी एज अ प्लेटफॉर्म है इसे बेस्ट बना रही हूँ, कि आप लोग यहीं पर आएँ, यहीं से पढ़ें, यहीं से अपनी लर्निंग कंटिन्यू करें। जो भी चीज़ें बताऊँगी वो कहीं ना कहीं देखी जा रही हैं, परखी जा रही हैं, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के बिहाफ पर मैंने ये आज का कंटेंट अपने मतलब अपने माइंड के अकॉर्डिंग लिखा है, और शुद्ध हिंदी में है, तो होप सो सभी को समझ आ ही जाएगा। सो स्टार्ट करेंगे। और कहीं ना कहीं अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है और आप लोगों को बात समझ आ रही है, तो लाइक इट ज़रूर कर दीजिए। देखिए, मैंने जो एनालिसिस किया है 2019 और 20 के अकॉर्डिंग, बहुत सारे कैंडिडेट्स के बीच में आज के टाइम पे क्या चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है। एक ऐसा कंपटीशन चल रहा है जिसे हम कह सकते हैं कि बहुत ही बुरा और एक बहुत ही तगड़ा वाला कंपटीशन चल रहा है, कि कौन सबसे ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप्स बना सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा देखा गया है 2019 एंड 20 में। कई कैंडिडेट्स ने तो अपनी तैयारी, जो जेन्युइन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे थे कि हाँ हमें अब की बार का एग्ज़ाम क्रैक करना है, D2+ भी क्रैक करना है, KVS क्रैक करना है, उन लोगों ने 6 महीने सालों सालों से तैयारी कर रहे हैं, अब उनका मोरल डाउन हो चुका है, अब उन्होंने अपनी तैयारी करना छोड़ दिया है, उन्होंने कहीं ना कहीं चैनल बनाना स्टार्ट कर दिया और वो कहीं ना कहीं उसी की ओर बढ़ रहे हैं। पर मेरे हिसाब से तो नहीं, आप लोगों को अपना मोरल डाउन करना है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन आपका जो लक्ष्य होगा, आपका जो एम है, जो आपने निर्धारित कर रखा है, वो ज़रूर कंप्लीट होगा। तो ये अगर मैं देखूं तो 2020 के अकॉर्डिंग मैंने क्या देखा है, कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने चैनल बना लिया है, उसी को प्रमोट करने में लगे हुए हैं, उसी को हर जगह शेयर करते हैं। साथ ही एक और कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितना ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा कर सकता है, स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर सकता है। अगर एक वीडियो, PDF या क्वेश्चन शेयर होते हैं किसी भी अगर ग्रुप में, किसी भी चैनल पर अगर आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड होता है, तो उसके नीचे 50 कैंडिडेट्स की डिमांड ऑलरेडी आ जाती है। और डिमांड किस तरीके से आती है, कि ज़्यादातर मैंने क्या देखा है, ग्रुप्स में देखा है ये चीज़। अगर मैंने या किसी अदर कैंडिडेट ने कोई पर्टिकुलर अपना वीडियो शेयर किया, तो उसके नीचे बहुत सारे कैंडिडेट्स की डिमांड आ जाती है कि हमें ये टॉपिक नहीं, ये कंटेंट चाहिए, हमें ये नहीं, ये चाहिए। उस चीज़ को पढ़ने की बजाय, उस चीज़ को समझने की बजाय, उन्हें और चीज़ें चाहिए। वो जो 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन का सेट आप लोगों के सामने शेयर किया है किसी कैंडिडेट ने, उसको पढ़ने की बजाय उन्हें और चीज़ें चाहिए। तो ये आज के टाइम पे क्या हो गया, एक कॉम्पिटिशन तरीके का हो गया है। उसे अच्छे से पढ़ने की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल चाहिए उन लोगों को। ऐसे कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ किसकी ओर बढ़ रहे हैं, विफलता की ओर बढ़ रहे हैं। किसी भी ग्रुप से जुड़ने के बाद उसमें अपने अपने लिंक्स प्रमोट करते हैं, क्योंकि हर कोई, अब जो मैंने 2019 एंड 20 के अकॉर्डिंग देखा है, इन 8 से 9 महीनों में बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं अपना चैनल, कहीं ना कहीं अपना ग्रुप, कहीं ना कहीं अपना जो लिंक है वो बना रखा है, और उसी को प्रमोट करने लगे हुए हैं। इट मीन्स आप लोगों को बिल्कुल भी मैटर नहीं कर रहा है, या उन कैंडिडेट्स को बिल्कुल भी मैटर नहीं कर रहा है
कि हाँ हम तैयारी कर रहे हैं तो हम जेन्युइन तरीके से कर रहे हैं। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर अच्छे से प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं, अच्छे से ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर तैयारी चल रही है तो वो हमारे लिए चल रही है, कोई नहीं समझना चाहता। ग्रुप से जुड़ जाएंगे, ग्रुप से जुड़ने के बाद बस अपनी पोस्ट शेयर करेंगे, अपने लिंक शेयर करेंगे, वहाँ पर जो जो चीज़ें शेयर हो रही हैं उन्हें कोई मतलब नहीं है उनसे। जो एडमिन है, जो मॉडरेटर है, जो टीचर है वहाँ पर अपनी मेहनत कर रहा है, उसे उस कैंडिडेट को, उस पर्सन को कोई मतलब नहीं है। वो बस अपना कॉम्पिटिशन कंटिन्यू करने में लगे हुए हैं। किसी भी पोस्ट को शेयर करने के बाद अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने अपने खुद के चैनल मतलब खुद के फेसबुक ग्रुप में एक पोस्ट शेयर की और सीटेट से रिलेटेड कंटेंट था और उसको मैंने शेयर किया कि होप सो सभी कैंडिडेट को वो पसंद आए। इट मीन्स जो कंटेंट था वो जेन्युइन था और वो मैंने शेयर की। शेयर करने का मतलब ये था कि वहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अप्रिशिएट तो किया, बट उससे ज़्यादा कैंडिडेट्स मुझे कौन से दिखे जो कमेंट बॉक्स में अपने वीडियोस को शेयर करने में लगे हुए हैं, अपने लिंक को शेयर करने में लगे हुए हैं, अपने ग्रुप को शेयर करने में लगे हुए हैं। मतलब उन्हें उस कंटेंट से, उस वीडियो से कोई मतलब नहीं था कि अगर किसी कैंडिडेट ने वो अपने अच्छे तरीके से, जेन्युइन तरीके से उन कंटेंट को शेयर किया है तो कहीं ना कहीं वो बेस्ट होगा, कहीं ना कहीं वो अच्छा होगा, कहीं ना कहीं उसे देख लिया जाए, कहीं ना कहीं उसे समझ लिया जाए। वो करने की बजाय वो अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं उन्हें एक सही गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है। सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बेस्ट बनाने में लगा हुआ है, हर कोई अपने आप को बेस्ट बनाने में लगा हुआ है कि मैं बेस्ट हूँ, इंडिया में सबसे बेस्ट हूँ, मुझसे जुड़े, मुझसे ये करें, मुझसे वो करें, बस ये है। पर मेरे हिसाब से अगर मैं खुद को भी कहूँ तो मैं बिल्कुल भी बेस्ट नहीं हूँ। ना मैं ये कहूँगी कि आप लोग इन्फो टीचिंग से पूरी तरीके से जुड़िए, यहीं से आप लोग कंटिन्यू करें क्योंकि मैं ही बेस्ट हूँ, नहीं, मैं खुद को भी बेस्ट नहीं कहूँगी। बस मैं ये चाहूँगी कि आप लोग उस लिंक से जुड़े, उस प्लेटफॉर्म से जुड़े, उस सोर्स से जुड़े जो आपको जेन्युइन तरीके से एक सही गाइडेंस दे रहा है, आपके अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप लोगों को बढ़ावा दे रहा है। तो वो चीज़ एक जेन्युइन तरीके से होने के लिए मैं कहूँगी कि उसी से आप लोग जुड़े। यहाँ तक कि कैंडिडेट्स किसी भी एक लिंक को फॉलो करने की बजाय वहाँ जा रहे हैं जहाँ पर उन्हें ये बताया जा रहा है कि 200 में से 150 प्लस कैसे लेना है। जहां कॉन्सेप्ट की जड़ तक पहुंचाया जा रहा है उस चीज को कोई भी फॉलो नहीं करना चाहता। जहां कोई भी टीचर जी जान लगाकर आपके सिलेबस को अच्छे से पूरा कराने की कोशिश कर रहा है, आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर रहा है, आप लोगों के लिए टाइम टेबल उसने क्रिएट किया हुआ है कि किस दिन मुझे कौन सी क्लास लेनी है, बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए स्टार्ट किया, उसको फॉलो करने की बजाय वहां पर जाया जा रहा है जहां पर ये सिखाया जाता है कि 150 प्लस कैसे लें, अपने एग्जाम में पास कैसे हों, बस यहाँ पर पहुंचते हैं आप लोग। कॉन्सेप्ट तक कोई नहीं पहुंचना चाहता कि कॉन्सेप्ट में क्या बताया जा रहा है, सिलेबस क्या है। सिलेबस तक तो मेरे हिसाब से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने सिलेबस भी नहीं पढ़ा होगा, वो सिर्फ वहां पर लगे हुए हैं कि कंटेंट पढ़ लिया, कंटेंट के क्वेश्चंस देख लिए और हो गया हमारा एग्जाम क्रैक। ऐसा नहीं होगा, ऐसे कभी भी नहीं होगा आप लोगों का एग्जाम क्रैक। नॉर्मली आप लोगों को कॉन्सेप्ट की जड़ तक समझना या जड़ को ही समझना होगा, तभी जाकर आप किसी ना किसी एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो ऐसा करते हैं, मैं सभी के लिए नहीं कहूंगी, 99% तो मैंने ऐसे कैंडिडेट्स, अब जो 2020 के अकॉर्डिंग जो सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स को देखा है जो कहीं ना कहीं जेन्युइन तरीके से किसी एक चीज को या एक चीज के ऊपर फोकस करने के बजाय अपने आप को कहीं ना कहीं बेस्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। और फिर बाद में क्या करते हैं वही कैंडिडेट्स, टीचर्स को, कोचिंग्स को, किस्मत को, रिजर्वेशन को ब्लेम करने के अलावा उनके पास कुछ नहीं होता। कुछ होने तो क्या कर रखा है कि पीडीएफ कलेक्ट कर करके अपना पूरा मोबाइल, अपना पूरा लैपटॉप, अपना पूरा पीसी भरा हुआ है। कुछ होने तो पूरा रूम किताबों से भरा हुआ है। किताब तो आप लोग खरीद लेंगे पर कभी भी ज्ञान नहीं खरीद पाएंगे, ये याद रखेंगे। और ज्ञान कब तक नहीं मिलेगा, ज्ञान तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप लोग उस कॉन्सेप्ट को, उस पर्टिकुलर टॉपिक को समझेंगे नहीं, उस मुद्दे को समझेंगे नहीं, तब तक आप लोग को ज्ञान नहीं मिलेगा। उसके लिए आप लोग को करना क्या है कि शांत और अथक, यानी कि बिल्कुल जिसे बोल सकते हैं अपना मोरल डाउन नहीं करना है। एक बार एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो आप लोगों ने छोड़ दिया, कोई अदर प्रोफेशन चूज कर लिया, तो ये सोचकर आप लोगों को नहीं, आप लोगों से मतलब एग्जाम नहीं होगा क्रैक। आप लोग कहीं ना कहीं शांत दिमाग से अथक परिश्रम करेंगे तभी आप लोग किसी ना किसी अपनी मंजिल के अकॉर्डिंग, जो भी आप लोगों ने मंजिल निर्धारित कर रखी है, उस तक पहुंच पाएंगे। और अथक प्रयास करने पर ही ऐसा होगा, तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सो आशा है मेरी जो भी एक मैसेज था, जो भी मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा है, तो वो आप लोगों को कहीं ना कहीं समझ आए और कहीं ना कहीं अच्छा लगे। और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को लग रही हैं कि बेस्ट है, तो कहीं ना कहीं उसको शेयर जरूर करें और अपने व्यवहार में कहीं ना कहीं परिवर्तन लेने की कोशिश करें, लाने की कोशिश करें और सफलता की ओर अग्रसर हों। तो ये मेरा एक आप लोगों से निवेदन रहेगा,
कृपया किसी एक जेन्युइन सोर्स को फॉलो करें, कृपया करके अपने एग्जाम को क्रैक करने की तैयारी करें, ना कि कोई अपने आप को बेस्ट बनाने की कोशिश करें। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए कोई भी बेस्ट नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, बस कोई ना कोई अपनी कोशिश कर रहा है अपने आप को, अपनी लर्निंग के साथ साथ आप लोगों की लर्निंग भी कंटिन्यू करवाने की कोशिश कर रहा है, कोई अपने आप को बेस्ट नहीं बना रहा है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप लोगों को सोचनी है, थोड़ा सा उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें। और एक छोटा सा मैसेज था जो मैंने अपने खुद अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग लिखा है, और होप्स हो आप लोगों को कहीं ना कहीं अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दें एवरी कैंडिडेट तक, उसी के अकॉर्डिंग अपनी लर्निंग को, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें। और यहाँ पर थॉमस एडिसन ने बोला है कि आर ग्रेटेस्ट वीकनेस लाइज इन गिव अप, द मोस्ट सर्टेन वे टू सक्सीड इज ऑलवेज टू ट्राई जस्ट वन मोर टाइम। हमेशा ये सोचना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने 10 बार 20 बार ट्राई कर लिया हमसे हुआ ही नहीं। हमेशा ये सोचना चाहिए कि एक और बार हमें ट्राई करना है, तो कहीं ना कहीं आप लोग सक्सेस जरूर होंगे। ठीक है, तो मेरी ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के साथ जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे प्यारे प्यारे कैंडिडेट्स हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं इन्फो टीचिंग के जरिए, मेरे जरिए मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, मुझे भी कहीं ना कहीं एक जगह दी है अपने दिल में। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो कंटिन्यू की हैं। तो मैं बस यही चाहूँगी कि छोटा सा मैसेज आप लोग एवरी कैंडिडेट तक पहुँचाएँ, और कहीं ना कहीं अपने मोरल को डाउन नहीं करना है, अपनी लर्निंग को पहले की तरह आप लोग कंटिन्यू कीजिए और आगे बढ़िए। बस यही एक मेरा रहेगा, पॉजिटिव फीडबैक देना है कमेंट के जरिए और लाइक के जरिए, ताकि मैं, मुझे ऐसा लगे कि कहीं ना कहीं अगर मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है तो वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। सो कंटिन्यू करें और अपना पॉजिटिव सपोर्ट दें मुझे लाइक इट के जरिए, ताकि मैं, या मुझे ऐसा लगे कि कहीं ना कहीं मैंने आपको मोटिवेट किया है, कहीं ना कहीं एक सही गाइडेंस आप लोगों को दी है, तो बेस्ट है कहीं ना कहीं। तो प्लीज़ इसे कंटिन्यू करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।